नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक दलों ने जातीय समीकरण बैठाना शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा ऐलान किया है जिससे दूसरे राजनीतिक दलों की नींद उड़ने लगी है। बसपा अयोध्या में 23 जुलाई से ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। 2007 में जिस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत बसपा ने राज्य में सरकार बनाई थी, अब 2022 में भी इसी फॉर्मूले के जरिए बसपा सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होना चाहती है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो लगभग साल भर पहले से उसने ब्राह्मणों को रिझाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण करवाया जाएगा सपा द्वारा। वहीं बसपा ने सपा के इस नहले पर भी दहला मारा था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो इससे भी बड़ी भगवान परशुराम की मूर्ति का निर्माण कराया जाएगा। खैर, सपा और बसपा तो ब्राह्मण वोट पर नजर गड़ाए ही हैं, लेकिन प्रदेश में लगभग 10 से 12 फीसद ब्राह्मण वोट बैंक पर कांग्रेस और बीजेपी की भी नजरें हमेशा से रही हैं। बड़ी बात यह है कि किसी सीट पर तो 20% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स की संख्या है। बता दें कि ब्राह्मण वोटर्स पुराने कांग्रेस समर्थक रहे हैं, लेकिन कुछ सालों से ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ आकर्षित हो गया है, जिसे कांग्रेस फिर से अपने पाले में लाना चाहती है। सेंटर फॉर द स्टडी डेवलपिंग सोसाइटी ने अपने एक सर्वे में बताया कि पिछले दो लोकसभा चुनावों में ब्राह्मण किसके साथ नजर आए हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में 31% ब्राह्मणों ने वोट किया था, जबकि 2014 में उसके पक्ष में सिर्फ 11 ही रह गए। 2009 में बीजेपी को 53% ब्राह्मणों ने वोट किया, जबकि 2014 में 72% का समर्थन मिला। बीएसपी को इस वर्ग का 2009 में 9%, जबकि 2014 में सिर्फ 5% वोट मिला। समाजवादी पार्टी इन्हें ही नहीं रिझा पाई, उसने 2009 और 2014 दोनों लोकसभा चुनाव में 5-5% ही ब्राह्मण वोट हासिल किए। सवाल ये उठता है कि आखिर अब ऐसा क्या हुआ है कि ब्राह्मण वोटर्स बीजेपी से नाराज हो गए। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में 56 ब्राह्मण विधायक जीते थे, जिसमें से 46 तो सिर्फ बीजेपी के टिकट पर ही जीते थे। योगी मंत्रिमंडल में 8 ब्राह्मणों को जगह दी गई, लेकिन सिर्फ 2, दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा को छोड़कर किसी को भी अहम विभाग नहीं दिया गया। वहीं योगी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर भी जब सख्ती की गई तो कई ब्राह्मण पुलिस और सरकार के निशाने पर आ गए, जिसको लेकर ये वर्ग सरकार से खासा नाराज नजर आया। खैर, जो भी हो, 2022 में सभी दल ब्राह्मणों को केंद्र में रखकर जाति की राजनीति करने को तैयार नजर आ रहे हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या ब्राह्मण जाति से ही सदेगा 2022 का चुनाव, और इस पर इतना फोकस क्यों है, इस पर भी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए ब्राह्मण वोटर्स क्यों है राजनीति में इतने जरूरी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद है वो बहुत खास पैनल है और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हमारे साथ आज एसएन पांडे जी मौजूद हैं, जो ब्रह्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ दलित चिंतक कालीचरण जी हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी शाही, बीजेपी नेता और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। दिलीप यशवर्धन जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले मैं एसएन पांडे जी आप पर आना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से मैंने अपनी पूरी बातें रखी और सबसे अहम जो इन बातों में है वो है ब्राह्मण वोटर्स, जिनको साधने की हर कोई कोशिश कर रहा है, और आज प्रधानमंत्री ने संसद के मानसून सत्र में भी कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि जाति है कि जाति नहीं है, और जाति कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी सामने आ गया है। तो आपका क्या लगता है, आपको क्या कहना है आपका? देखिए, सत्ता में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ब्राह्मण की भी भागीदारी उतनी ही अहम है जितनी और वर्गों की भागीदारी है। जन्म से लेके मरण तक आदमी को ब्राह्मण का सहारा लेना पड़ता है। हर पार्टियों ने ब्राह्मणों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में ही अभी तक स्वीकारा है, परंतु जिस टाइम पे कोई उपलब्धि देने की बात आती है तो ब्राह्मण को सबसे पीछे करके और सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ब्राह्मण को यूज किया गया है। आज के समय में ब्राह्मण सबसे शोषित समाजों में से एक बनकर रह गया है, जिसके कारण से मेरी पार्टी, मेरा ये ब्रह्म समाज आज इस विकल्प पे आया है कि हम लोगों को भी कहीं ना कहीं
राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखना चाहिए, जिसके कारण से हम लोग भी अब इसी अखाड़े में उतरने वाले हैं। और इसके लिए हम लोगों ने एक प्रस्तावित पार्टी का गठन करने का निर्णय लिया है, जिसका नाम है भारतीय जन जागरण पार्टी जी। जिसमें जो भी शासन होगा, जो भी मेरा नेता होगा, जो भी मेरे विधायक होंगे, सांसद होंगे, वो अपने घरों में बैठ के राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि उनको जनता के द्वार पे आना ही होगा। लेकिन एस एन पांडे जी, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया गया है, उनकी बातों को नहीं समझा जाता, उनको मुद्दों को नहीं समझा जाता, लेकिन साधने की जो वोट कोशिश की जाती है वो लगातार ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर, चाहे आप बीजेपी के राम, समाजवादी पार्टी के परशुराम जी आ गए, वो 108 फीट की ऊंची मूर्ति बनवाने जा रहे हैं, तो क्या लगता है वो कौन से मुद्दे हैं जिससे खासा नाराजगी आपको लगता है कि 2017 में जिस तरह से वोट बैंक खिसका था बीजेपी की ओर, तो बड़ी नाराजगी है ब्राह्मणों में? ब्राह्मणों में नाराजगी इसलिए है कि अभी तक ब्राह्मणों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज किया गया है। जहां भी आवश्यकता पड़ी है ब्राह्मणों को यूज तो किया गया है, पर जब उपलब्धि का सवाल आता है उस टाइम पे ब्राह्मण कहीं नजर नहीं आता है। उसी तरह से जिस तरह से कि आप देख लीजिए, हम ही लोग जनता से चुनते हैं नेता को, नेता अपने घर में बैठते हैं, अपने घर से सरकार चलाते हैं, वो शासन अब खत्म होने वाला है। अब जो भी शासन होगा वो जनता के दरवाजे पे होगा। लेकिन पांडे जी, हमने देखा कि ब्राह्मणों ने बड़ा ज्यादा विश्वास जो है बीजेपी पे दिखाया था और काफी ज्यादा उनको सपोर्ट किया था, तभी उनकी सरकार बनी थी, तो वो सपोर्ट किस जरिए था और वो क्या विश्वास पैदा हुआ है? देखिए, विज्ञान भी ये कहता है कि किसी भी प्रैक्टिकल को करने के बाद में उसका रिजल्ट निकलता है। ये हम लोगों का एक प्रैक्टिकल था, हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि बीजेपी हो सकता है कि हम लोगों के बारे में कुछ सोचे जी। परंतु कुछ दिनों के बाद में ये देखा गया कि जैसे सब राजनीतिक पार्टियां सिर्फ आश्वासन के बल पे चली हैं, वैसे ही हम लोगों को भी आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है, पर कोई निर्णायक कदम ब्राह्मणों के लिए आज तक नहीं उठाया गया है, जिसके कारण से ये अखिल भारतीय ब्रह्म समाज ने अब ये एक निर्णय लिया है कि हम लोग भी एक राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे, जिसका नाम है भारतीय जन जागरण पार्टी, और उसके तहत अगर संभव हुआ वो वक्त बतावेगा, हम लोग भी अपने रण में प्रत्याशियों को उतारेंगे भी। परशुराम की जहां तक बात है, आज देश को आजाद हुए इतने साल बीत गए, आज तक तो किसी ने परशुराम का सुध नहीं लिया, क्योंकि चुनाव आते हैं तब याद आती है। चुनाव ये तो बात एसएन पांडे जी आप भी समझ ही रहेंगे पूर्ण तरीके से। चुनाव आते ही लोगों को परशुराम की याद आ जाती है, चुनाव आते ही लोगों को ब्राह्मण की याद आ जाती है, चुनाव आते ही लोगों को जातिवाद याद आता है कि कहाँ पे मुस्लिम वोट ज्यादा, कहाँ पे दलित वोट ज्यादा, कहाँ पे ब्राह्मण वोट ज्यादा, जबकि ब्राह्मण एक ऐसा सीधा साधा वर्ग था कि वो सीधे साधे वर्ग के कारण बहकावे में आ जाता था, परंतु वो समय अब जा चुका है। ठीक है, वो समय जा चुका है और ब्राह्मण अब अपनी आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पीछे छोड़ दिया गया है। और आपकी नाराजगी भी ये आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की, क्योंकि आप एक बड़े ब्राह्मण वर्ग को उत्तर प्रदेश में किस तरह की मेंटालिटी रखते हैं, मानसिकता क्या है वो आप जानते हैं, तो आपने वो मानसिकता रखी। हालांकि इस पर हम चर्चा करेंगे और अश्विनी शाही जी से भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले कालीचरण जी से मैं जानना चाहती हूँ। कालीचरण जी, जिस तरह से आज संसद का मॉनसून सत्र भी हुआ और उसमें भी प्रधानमंत्री ने सबके सामने ये बोला कि मंत्रियों को विपक्ष बोलने नहीं देता, क्योंकि ओबीसी, दलित और ब्राह्मण, खास करके महिला जो है वो मंत्री वहां पर मौजूद है, इसलिए नहीं बोला। और जिस तरह से आपने बयान सुना होगा मायावती जी का, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ब्राह्मणों को परेशान किया गया है, उनकी सुध नहीं ली गई है, विश्वास जताया था उन्होंने बीजेपी पर, लेकिन अविश्वास पैदा हुआ उन लोग के मन में, तो कहीं ना कहीं जाति एक बार फिर से आ गई है। देखिए, भारत में जाति एक सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जहां हम जातियों में जन्म लेते हैं, जातियों में ही शादी ब्याह करते हैं, जातियों में ही मरते हैं, जातियों में ही पले बड़े होते हैं, तो जाति एक ऐसी सच्चाई है जो कभी भी पीछा नहीं छोड़ सकती है, जब तक कि उसके लिए ईमानदारी से कदम ना उठाया उन्मूलन। स्वाभाविक तौर पर लोकतंत्र में परिवर्तन हो रहा है। कभी ये कहा जाता था इस देश में कि दलित और आदिवासी या पिछड़े वर्ग वोटर हैं, वोट बैंक बने हुए हैं, और ये कांग्रेस का इस देश में लंबे समय तक जो शासन चला है वो दलित और आदिवासियों के तथा मुसलमानों के आधार पर चला है।
तो स्वाभाविक रूप में कांग्रेस ने ब्राह्मण नेतृत्व पैदा भी किया और ब्राह्मणों को और दलितों को और ओबीसी को तथा आदिवासियों को अपना वोट बैंक समझा। यही जो है सब फिर बाद में शिफ्ट भाजपा में शिफ्ट हुए हैं, वहां भी ब्राह्मण ऊपर नेतृत्व ब्राह्मण ही कर रहा है, उन्हीं के हाथों में, चाहे आरएसएस का हो चाहे उच्च स्तरीय भाजपा का नेतृत्व हो। लेकिन ये सही बात है कि अब परिवर्तन लोकतंत्र में 74 साल बाद इतना हुआ है कि जो ब्राह्मण दूसरों को वोट बैंक बनाया करता था, अब वो स्वयं वोट बैंक बन रहा है। अभी हमने आदरणीय का वक्तव्य सुना, इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। जिन ब्राह्मणों पर दलितों ने और आदिवासियों ने शोषण का आरोप लगाया है, वो स्वयं सभी जगह पदों पर प्रतिष्ठित हैं। मुख्य जगह आप देखते, भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, राज्य की सेवा हो, संसाधन हो, भूमि हो, सब पर उनका अधिकार और आधिपत्य है। लेकिन ये सही बात है कि इसके बावजूद भी अभी जो सिनेरियो बदला है, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है लेकिन ब्राह्मणों का दमन हो रहा है। स्वाभाविक तौर पर वो पार्टियां जिनका नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथों में नहीं है, ओबीसी के हाथों में है, वो ब्राह्मणों को रिझाएंगे। दलितों की पार्टियां हैं, वो ब्राह्मणों को रिझाएंगे या अन्य किसी को भी रिझाएंगे। माना कि अभी जाति की राजनीति की जा रही है, स्वाभाविक रूप से सबने ही की है भाई। जब जाति एक सच्चाई है तो कोई दल जब बनता है तो पहले वो अपना बेस्ट वोट देखता है, और स्वाभाविक तौर पर मंत्रिमंडल का गठन हो, टिकट का बंटवारा हो, सभी जगह जाती है। ये बात है कि उसका नाम खुलासा नहीं लेते हैं, सभी जगह जाती। अभी जो मंत्रिमंडल बना है, भारत सरकार ने जो परिवर्तन किया है, हम देखते हैं स्वाभाविक रूप से ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई है, इसलिए कि ब्राह्मणों की पार्टी सत्ता में है। तो स्वाभाविक तौर में होता यह है, हम पहले देखते थे कि जब बीएसपी सत्ता में थी तो वहां लोग ये कहते थे बीएसपी के नेतृत्व से कि भाई इसमें दलितों का नेतृत्व नहीं है, तो कहा जाता था बीएसपी की ओर से कि मुख्यमंत्री तो दलित है। तो यही इस समय हाल है कि प्रधानमंत्री या जो भी है तो वो ब्राह्मण नेतृत्व के सहारे ही है, ब्राह्मण के सहारे ही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जाति एक सच्चाई है, इसको कोई नकार नहीं सकता है किसी भी प्रकार का हो। लेकिन उपस्थिति राजनीति में जाति को किस तरह से देख रहे हैं, ये भी जरूरी है कि अगर आप जाति को राजनीति में लेके आएंगे तो आप ये किस आधार पर कहते हैं आप लोग कि हम जाति की राजनीति नहीं करते? तो कौन दल नहीं कर रहा है, सभी दल कर रहे हैं जब जाति के नाम पर पार्टियां गठित हो रही हैं। ठीक है, अश्वनी शाही जी के पास मैं जाना चाहूंगी क्योंकि उनका उनका हमेशा से ये बयान रहा है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते। अश्वनी शाही जी, आपका क्या कहना है जब इस तरह के वक्तव्य सामने आते हैं और जब एक प्रधानमंत्री, एक कोई बड़ा लीडर जब संसद के मानसून सत्र में सबके सामने ये बोलते हैं कि विपक्ष मंत्रियों को इसलिए नहीं बोले देती क्योंकि मंत्री जो बैठे हुए हैं वो ओबीसी जाति से आते हैं, वो दलित जाति के हैं, महिलाएं ज्यादा हैं, ब्राह्मण ज्यादा है मंत्री, तो क्या वक्तव्य जाता है जनता की तरफ, आप क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर चलती है, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के बारे में पहले कहा है कि महिला मंत्री, उसके बाद उन्होंने आदिवासी मंत्रियों के बारे में बात कहा कि आदिवासी वो कोई एक जाति शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा आदिवासी मंत्री जिसको हमने बोलने का मौका दिया सदन में, जिसको हमने एक सारा विमर्श जो था वो दलित ओबीसी ब्राह्मण और महिलाओं पे जाके क्यों घूम गया? मंत्री अगर जिसको हमने बनाया है उसको हम बताएंगे नहीं क्या? लेकिन आज ही जरूरत पड़ेगा सदन में, आज परिचय का कार्यक्रम था कीर्ति जी, जी सदन में आज परिचय का कार्यक्रम था। ये एक ये संसदीय परंपरा रही है लोकतंत्र में, जब से ये लोकतंत्र का जो है मंदिर बना है तब से ये परंपरा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री चाहे जिस दल के हों अपने नव नियुक्त मंत्रियों का परिचय कराते हैं। तो उन्होंने नाम लेने के बजाय उन्होंने कहा कि हमारी महिलाएं मंत्री बनी है, हमारे आदिवासी समुदाय से लोग मंत्री बने हैं, इनको हमने बोलने के लिए मंच दिया है, दिया और आज उनका परिचय कराना तो यही उठ जाता है ना, परिचय नाम से होता है जाति से नहीं। तो अगर नाम से परिचय कराने नहीं दिया गया तो किस नाम से परिचय कराएं? कीर्ति जी आपने भी देखा, आपका सवाल हो सकता है कि कहीं किसी जगह पे लाजमी हो, मगर अश्वनी जी जैसे आप मेरे नाम से मेरा परिचय जान रहे हैं, आप मेरी जाति से मेरा परिचय नहीं जान रहे, वैसे परिचय नाम से होता है। तो अगर कोई एक बड़ा लीडर एक संसद सदन में खड़ा होके जिसे पूरी देश पूरा देश सुन रही है फॉलो करते हैं जिसे इतने लोग, वो अगर ये उठ के बोलेंगे कि विपक्ष जो है मंत्रियों को बोलने नहीं देता क्योंकि बड़ा वर्ग ओबीसी का है, दलित का है, उसके बाद ब्राह्मण वोटर्स हैं, तो ये बड़ा सवाल उठ जाता है ना कि सारा विमर्श अगर घूम फिर कर राजनीति पर आ रहा है तो कहीं ना कहीं जाति की राजनीति की जा रही है।
तो ये क्यों बोलते हैं आप लोग कि नहीं हम जाति की राजनीति नहीं करते? अगर मुझे इंटरप्टेड थोड़ा आप सुन लें, क्योंकि मेरे आधे वाक्य के बाद आपका एक सवाल उठ जाता है। इकट्ठा आप सवाल कर लीजिए, मैं सबका जवाब दे दूं। जी बोलिए। या आप सुन लीजिए मुझे, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि परिचय कराने का, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को ये संसदीय परंपरा है, नाम से परिचय कराया जाता है, विभाग से परिचय कराया जाता है, और आज लोकतंत्र में लोकतंत्र के संसदीय परंपराओं का जो हनन किया गया है वहां पर, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको महिलाओं के बारे में नहीं बोलने, परिचय नहीं कराने दिया गया। जो हमारी महिला मंत्री हुई, हमारे जो आदिवासी मंत्री हुए हैं, उनको एक समूह को बताना था, उनको 8 आदमी का नाम नहीं बताना था। वहां जो जब उनको परिचय कराने का मौका नहीं दिया गया तो उन्होंने समूह का नाम लिया। अगर उनको नाम से परिचय कराने दिया गया होता तो यह वाक्य नहीं उठता। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, हमको 2019, 2014, 2019 और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा तो 2017 में हमको सबका वोट मिला है, तब जाकर हम उत्तर प्रदेश से और पूरे देश से इतना हम बहु मतलब दिल्ली के संसद में और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में इतने बहुमत में अपने सांसदों और विधायकों को भेजने का मौका मिला है। तो हमको सभी दलों का, सॉरी सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी पंथ का आशीर्वाद मिला है, तब जाकर हम 300 से ऊपर यहाँ पाए हैं और दिल्ली में जो हमारी संख्या है वो आप देख रही हैं। ठीक है, ऐश्वर्या शाही जी, बिल्कुल चिंतन, लेकिन अगर इस तरह का जब चुनाव से पहले शुरू होता है तो सवाल ये उठता है कि अभी क्यों याद आया ये चिंतन, हालांकि आप मानेंगे नहीं। ठीक है जी, हम हमेशा याद करते हैं। ठीक, हमने जब सरदार पटेल जी की मूर्ति बनवाई तब भी हमारे साथ सवाल हुआ उनका, क्यों? उस समय तो कोई चुनाव नहीं थे। अभी जब हमने अम्बेडकर जी की मूर्ति बनाई तब भी एक सवाल हो गया। तो अगर देश में महापुरुषों को याद करना सत्ता पक्ष के लिए सवाल के कटघरे में है तो विपक्ष का सवाल करना काम है वो कर सकता है। सवाल के घेरे में महापुरुषों को याद करना नहीं है अश्वनी शाही जी, सवाल के घेरे में है जब कोई बड़ा लीडर खड़ा होके ये वक्तव्य देता है कि मंत्रियों को नहीं बोलने दिया जाता क्योंकि वो ओबीसी जाति से आते हैं, वो दलित से आते हैं, महिला मंत्री हैं। फिर मैं आपको ये चीज रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपने शायद तक बयान सही से नहीं सुना, नामों का नहीं बताना, उनके बयान को ठीक से पढ़िए। मैं बिल्कुल ठीक से सुन के आई हूँ अश्वनी शाही जी, तभी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। परिचय नहीं कराने दिया जाता है। ठीक है, हमारी महिलाएं यहाँ पर मंत्री होकर आई हैं, हमारे आदिवासी भाई आए हैं मंत्री होकर। बिल्कुल यही की बात, बिल्कुल ठीक है। दिलीप जी, आपने आज वक्तव्य अच्छे से सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, क्या लगता है आपको, क्या करना, आपका क्या मानना है कि जिस तरह से चुनाव नजदीक है और इस तरह से एक बड़े लीडर का इस तरह का वक्तव्य देना किस ओर इशारा करता है? कीर्ति जी, आज जब मॉनसून सेशन शुरू हुआ तो मैं लाइव डिबेट में चैनल पे बैठा हुआ था और सेशन के साथ ही डिबेट भी चल रही थी। आज जो प्रधानमंत्री जी ने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया है, तो आज जो मॉनसून सेशन की बैटिंग शुरू हुई है, वो बैटिंग में पहली बल्लेबाजी ही जाति के बैट से करी गई है। स्टार्टिंग में अपोजिशन ने हल्ला मचाया, ये सही है, लेकिन जो ओपनिंग स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी ने दिया था, उन्होंने शुरुआत या जोर ही इसी बात पर डाला कि हमारे यहाँ दलित मंत्री बनाए गए हैं, हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइब के मंत्री बनाए गए हैं, उनको सुनने का मौका मिलना चाहिए। तो ये जो इम्फेसिस था इन दो शब्दों पर, महिला तो एक जेनरिक वर्ड है, महिला शब्द से कोई आपत्ति नहीं है, महिला इन जनरल वो किसी जाति सूचक शब्द नहीं था, लेकिन जो दलित और शेड्यूल ट्राइब था ये स्पेसिफिक किया गया था कि हमने अपने मंत्रिमंडल में इन दो लोगों को विशेष जगह दी है। और क्यों दी है? कि जो उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव आ रहे हैं और उसके बाद 2024 में जो संसद के चुनाव आएंगे उसमें आप हमको वोट देंगे, इस समाज को वोट देंगे। कीर्ति जी, ये जो पूरा हमारा देश है ना, जिसमें 135-140 करोड़ की जनसंख्या कही जाती है, ये जनसंख्या दो पार्ट में बटी है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। फॉरवर्ड जो है वो मात्र लगभग 31% जनसंख्या है और 69% जनसंख्या वो बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, जितने भी सब कैटेगरीज है उनको ले लीजिए। और फॉरवर्ड जाति जिसमें ठाकुर, पंडित, कायस ये सब आते हैं, ये मात्र 31% है। तो जाहिर सी बात है कि जहां पर जो गणतंत्र है, इस गणतंत्र में सर गिनाने की राजनीति चलती है, तो जिसके सर ज्यादा होंगे उसका पलड़ा भारी होगा। अब ये बात रही कि ब्राह्मणों की अनदेखी करी जा रही है या उनकी अनदेखी करी जा रही है, तो ये अनदेखी क्यों करी जा रही है इस पर ब्राह्मण समाज भी विचार करे। अलग राजनीतिक पार्टी बना करके क्या वो अपना और देश का भला कर पाएंगे? अगर उनको लगता है वो ऐसा कर पाएंगे तो वो जरूर करें। कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों,
वो अपने आप को भारतीय समाज का लोग क्यों नहीं कहते, वो भारतीय समाज को आगे बढ़ाने की बात क्यों नहीं कहते, वो ये क्यों नहीं कहते? उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बात होती है कि जाति की राजनीति नहीं करते वहां पर, इतने मैसिव तौर पर अभी ब्राह्मणों की राजनीति जिस तरह से की जा रही है, और जिस तरह से खुले आम मायावती ने तो ये नारा तक दे दिया है कि अब की बार ब्राह्मण बजाएगा शंख और हाथी चलेगा साथ, तो अगर उन्होंने ये नारा दिया है तो कहीं ना कहीं वोटर साधने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला फिर से अपना रही है वो। बिल्कुल अपना रही है। देखिए ऐसा है कि गांधी जी ने तीन मंदिर जो बताए थे ना कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, उनको अगर आप राजनीति में फिट करेंगे तो उसका ये मतलब है कि आप जाति की बात न देखो और न सुनो। बोल तो कोई रहा है, बोलने पे मनाही नहीं है, लेकिन आपको देखना नहीं और आपको सुनना नहीं है, और आप उसकी बात नहीं कह सकते, और आप बोलेंगे भी और आप ये कह देंगे कि हमने कुछ नहीं बोला। रही बात मायावती जी की, मायावती जी ने एक समय ये नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, क्योंकि तब उन्होंने जितने भी एससी एसटी ओबीसी थे उनसे ये कहा था कि तुम हिंदू नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, सिख नहीं हो, ईसाई नहीं हो, तुम एक नई जाति के लोग हो। तब उन्होंने दलितों को एससी एसटी को लेकर के एक नई जाति खड़ी कर दी थी, और तुम पर अब तक बहुत प्रताड़ना की गई है, तुमको बहुत प्रताड़ित किया गया, अब तुमको राज करना है। तो ये कह के उन्होंने इस समाज को जागृत किया था। अच्छी बात है, जागृत करना चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में मायावती तो मायावती थी और उसे वो महारानी बन गई, लेकिन क्या उनके समाज का वास्तव में भला हुआ? ये बात हर वर्ग के आदमी को समझने की जरूरत है, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कहीं का भी हो, कि उनका जो नेता निकलता है उनकी प्रताड़ना के कंधे पे पैर रख के, वो नेता तो आगे निकल जाता है लेकिन इन जनरल समाज का भला नहीं होता है। और ये जो जाति के आंकड़े हैं ये सिर्फ राजनीतिक माइलेज पाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, कुछ लोगों को माइलेज मिल जाता है, जैसे ब्राह्मणों को लेकर के जो उस समय सोशल इंजीनियरिंग करी गई थी उसमें सतीश मिश्रा जी का कमल खिल गया, और सतीश मिश्रा जी का कमल आज तक खिला हुआ है। अब उसी को बेस बना करके ये ब्राह्मण समाज को डुबाने की कोशिश करेंगे। भारतीय समाज, भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण क्यों नाराज है? क्योंकि इतने सारे ब्राह्मणों के होने के बाद जितिन प्रसाद को कांग्रेस उठा लाए ब्राह्मण का चेहरा बना करके, और उनको भी मंत्रिमंडल में कहीं जगह नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के जब तक आप जातियों में अपने आप को बांटे रहेंगे, ये आपको लगता है कि जातियों में बांटने से आपको फायदा होगा या फायदा नहीं होगा? हमेशा से देखा है, कभी मूर्तियों की राजनीति से जो चीजें शुरू हुई थी अंबेडकर जी की मूर्ति लगवाने से, अब वो भगवान में बंटना शुरू हो गई है, और जाति तो बहुत छोटी चीज है जब भगवान तक को बांट दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। एसएन पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार ब्राह्मण वोटर्स की बात हो रही है, और अभी दिलीप जी ने भी कहा कि अगर अपनी अलग पार्टी बना के आपको कोई फायदा मिलता है तो आप बेशक बनाइए, लेकिन क्या लगता है आपको, आप अपनी अलग पार्टी बना के क्या वो सब चीजें हासिल कर पाएंगे जो आपको हासिल करना है, और क्या ब्राह्मण वोटर्स का इस बार वोट बैंक बसपा की ओर खिसकने का कोई अंदेशा है? देखिए, ब्राह्मण हमेशा सर्वे भगवान सुखिनः सर्वे संत निरामया पे विश्वास करता है। अभी बसपा के मेरे प्रवक्ता कह रहे थे कि ब्राह्मणों को अपने साथ लेने की बात कह रहे हैं। इनकी भी सत्ता काफ़ी दिनों तक उत्तर प्रदेश में रही। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी लखनऊ जेल के अंदर बंद रहे, लखनऊ से जेल को मोहनलालगंज शिफ्ट किया गया। क्या एक बार भी इन लोगों ने ये शुद्ध की कि रामप्रसाद बिस्मिल का भी कहीं पे भी परिचय हो सके, कहीं पे भी मूर्ति बैठाई जा सके, कहीं पे भी एक लखनऊ के अंदर रोड रखी जा सके? 3 साल यहाँ पे बंद थे, अभी में उनकी जयंती समाप्त हुई है। लखनऊ जेल से जीपीओ तक उनको रोड ले आया जाता था, क्या इन लोगों ने कभी शुद्ध ली? इको गार्डन बन गया, काशीराम का पार्क बन गया, क्या राम प्रसाद पांडे जी, क्या आप भी मूर्ति बनवा के खुश हो जाएंगे या आपके कोई जमीनी मुद्दे? मूर्ति बनवाना कोई ये पर्याय नहीं है, मूर्ति बनाना पर्याय नहीं है, पर लोगों की मंशा पे सवाल उठते हैं। मंशा पे इस तरह से सवाल उठते हैं कि इसी से जाहिर होता है कि ब्राह्मण को सिर्फ वोट बैंक के रूप में ही लिया गया है, ना कि उनके हित के लिए कभी किसी ने सोचा है। ठीक है, हम अश्वनी शाही जी से इसका जवाब ले देते हैं। वोट बैंक के तौर पर सिर्फ आपने देखा है, ब्राह्मण आपसे कुछ नहीं है, साफ तौर पर एसएन पांडे जी कह रहे हैं कि वोट बैंक की तरह क्यों नहीं देखा जाता है, हित की बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग, ब्राह्मणों की हित क्यों नहीं सोचता है? देखिए, हमने हमेशा ब्राह्मणों का, दलितों का, पिछड़ों का, अगड़ों का, सबका हित देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने
बराबर प्रतिनिधित्व सबको दिया है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य। चलिए अच्छा, एस एन पांडे जी आज यहीं पे हैं, आप हित गिनवा दीजिए, आपने वो कौन से हित देखे हैं जो उनको नजर नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक प्रैक्टिकल किया था हमने बीजेपी को वोट देकर और बीजेपी के साथ जुड़कर, लेकिन वो प्रैक्टिकल सफल नहीं हुआ, तो आप वो हित गिनवा दीजिए। कौन सा अहित हमने कर दिया ब्राह्मणों का? ब्राह्मणों को हमने सब अपने राजनीतिक दल में जो है हर जगह सम्मान दिया, चाहे वो केंद्र में विधायक मंत्री का टिकट हो, प्रदेश में टिकट हो, चाहे केंद्र में मंत्री बनवाना हो, को मंत्रिमंडल में शामिल करके और दो को मेन पद देके आपने हित किया। नहीं, मेन पद आप मीडिया के कहने से पद नहीं बढ़ते हैं पूजा जी, और न विपक्ष के कहने से पद बढ़ते हैं। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, किसको देना है किसको नहीं देना है। ये मीडिया दो विशेष पद और विशेष पद क्या होता है? तो मीडिया कहा हमने, मीडिया हमने ब्राह्मण नहीं, आपने कहा विशेष पद, आपने विशेष पद की बात की, ये तो आप लोग क्या मीडिया जो है आप राजनीतिक दलों को चलाएगा? मीडिया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो विशेषाधिकार है वो विशेषाधिकार को मीडिया तय करेगा? मीडिया तय नहीं करेगा, ये आप लोग तय करते हैं सर। ये आप लोग जब आप बात को क्यों कहा, मंत्रिमंडल का विस्तार करते हो, जिस चेहरे को आप उसमें लेके जाते हैं उसका सवाल उठता है सर। प्लीज पूजा जी, आप एक सर कीर्ति सॉरी कीर्ति जी, आप सम्मानित चैनल की एक एंकर हैं और आपको ये इस तरीके की आपने बात कहा कि दो पद देकर सम्मान, आपके पास तो पूरा डेटा है, आप हमको बताना भी नहीं है, आपके पास इतने करेस्पॉन्डेंट्स हैं, एक एक चीज आपके पास है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हैं हमारे, उसमें विशेष पद क्या होता है और विशेष पद क्या नहीं होता है, इसमें हमने जिसको जहां पर स्थापित करना था उसको किया। अश्वनी शाही जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं शायद तक आपको होगी, माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ, कि विशेष पद क्या होते हैं और एक दरकिनार करना क्या होता है और सामने रखना क्या होता है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहती हूँ कि आपने विशेष पद कैसे दिया, क्यों दिया और क्यों नहीं दिया। ब्राह्मण आपसे नाराज है, उनकी नाराजगी कैसे दूर करेंगे ये बताइए। ब्राह्मण हमसे कहीं नाराज नहीं है। ठीक है अश्विन पांडे जी, आप ठीक है अश्विनी शाही जी, आपने कहा ब्राह्मण नाराज नहीं है, तो इस पर हम तुरंत में जवाब ले लेती हूँ। अश्विन पांडे जी, ब्राह्मण नाराज है या नहीं है? ब्राह्मण ये जो साधी जी कह रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन्होंने आके ब्राह्मणों के लिए किया क्या, जो कीर्ति जी ने पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। और मैं बता रहा हूँ कि कोरोना काल में ब्राह्मणों की जो उपेक्षा की गई, वो चलिए ये तो महामारी सबके लिए एक जैसी होती है, परंतु कभी आप लोग ब्राह्मणों की तरफ निगाह करके तो देखे होते? मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी भी निगाह ब्राह्मणों की तरफ किया, सिर्फ वोट बैंक के लिए किया। अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए। सिर्फ वोट बैंक के लिए किया और किसी के लिए नहीं किया। आप ब्राह्मणों की बस्ती हो, उसके 10 घर इधर 10 घर बगल आगे पीछे, ये पूछ लीजिए किसको कौन सी सरकारी सहायता मिली है। मैं नहीं समझता हूँ किसी को मिली है, किसी को नौकरी में देख लीजिए कौन सी सहायता मिली है, पढ़ाई में देख लीजिए कौन सी सहायता मिली है। यहाँ पे तो ब्राह्मणों की हमेशा से ही उपेक्षा की गई है, जिसके कारण से आज ब्राह्मण बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है, जिसके कारण से आज ये निर्णय लिया गया है। ब्राह्मण नाराज है, किस वजह से नाराजगी है अश्वनी शाही जी? अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मण देखिए, ये मैं पांडे जी के कहने से इस चीज को नहीं मानता हूँ। ब्राह्मण देखिए, भारत आप मेरे कहने से नहीं मानते, आप एस एन पांडे नहीं मानेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, हम किसी के कहने से क्यों मान लेंगे। ब्राह्मण जी क्या, ब्राह्मणों के पूर्वोधा क्या पांडे जी हुए हैं? सारे पूरे प्रदेश में 13% वोट है, उन्होंने हमको सम्मान वोट दिया है, तो पांडे जी राजनीतिक इनकी महत्वाकांक्षा अलग है। ये दल बनाकर ये भी 222-225 राजनीतिक दल उसमें भी शामिल है, इनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है, तो राजनीतिक दल बनाने से पांडव ब्राह्मणों का हित नहीं कर सकते हैं। और जी, आज भारतीय जनता पार्टी आपकी आप जवाब दीजिए, आप किसी के सवाल पर महत्वाकांक्षा और उनकी पार्टी और उनकी मंशा स्पष्ट नहीं कर सकते। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए इस बात का कि आपने ब्राह्मणों के हित के लिए क्या किया है। कीर्ति जी, कीर्ति जी, जब मैं कह रहा हूँ तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, और उसके बाद मैं जब जवाब दे रहा हूँ तो तीखा लग रहा है। तो सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण और बनियों की पार्टी ही कही जाती थी और आज भी कही जाती है, ये सुन लीजिए, और कोई दूसरी पार्टी नहीं कही जाती है, क्योंकि ब्राह्मण बनी अब भारतीय जनता पार्टी में
सभी धर्मों का समावेश हुआ है और हमको उनका आशीर्वाद सबका मिला है। हमने सबके लिए काम किया है, हम लगातार काम कर रहे हैं। हमको किसी में भेद नहीं करना है कि हम सिर्फ ब्राह्मण की देखें, ओबीसी की नहीं देखें, हम बनिया की देखें, हम सिर्वाकायस की ना देखें, हम राजपूत की देखें, हम जो है दलित की ना देखें। हमको सबका समावेश करना है और सबका वोट मिलता है किसी के कहने से। अब मायावती जी पर चर्चा आप कर रही है, चर्चा आई है भारतीय जनता पार्टी पर। मैं बताना चाहूंगा कि मायावती जी ने 2007 में ये एक प्रयोग किया था, उसके बाद आज तक उनको ब्राह्मण क्यों नहीं याद आए? 2007 के बाद आज ब्राह्मण याद कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आप तो अपने सवाल को स्पष्ट कीजिए। देखिए सवाल तो ये उठ रहा है कि जाति की राजनीति हो रही है लेकिन बोलना किसी को नहीं है, और ये जाति हर बार जाति क्यों आ जाती है ये सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन आपके सवालों के बीच दिलीप जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। दिलीप जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं तो बस सुन रहा था सुनी जी की बातों को। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज नहीं है और इनकी पार्टी ने सबका भला किया है, तो ब्राह्मण कह रहा है कि ब्राह्मणों का कोई भला नहीं किया, कायस कह रहे हैं कि कायसों को कोई स्थान नहीं दिया गया। अब सारा का सारा फोकस, मैंने आपको अभी परसेंटेज बताया ना कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में रेशियो का डिफरेंस डबल से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है जिसके सिर ज्यादा होंगे उसको फोकस ज्यादा दिया जाएगा। आपने तो सुना ना अश्वनी जी को, अश्वनी शाही जी ने तो बोला उनके साथ तो पूरा ब्राह्मण समाज, दलित समाज, हर वोटर बैंक उनके साथ है, उनसे प्रसन्न है। चाहे एसएन पांडे जी सामने खुल के मुंह पे उनके बोल रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज है। कीर्ति जी फैक्ट समझ लीजिए कि 100% झुकाव किसी भी जाति का किसी भी पार्टी के प्रति नहीं होता है। इवन जो मुसलमानों को कहा जाता है कि वो भाजपा के वोटर नहीं है, ये भी सत्य नहीं है। बहुत सारा सिया समुदाय का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि इस देश में एक तबका सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को वोट देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुतायत कमोवेश चीजें हो सकती हैं, लेकिन हर जाति का आदमी हर पार्टी में है, क्योंकि उसका कारण है। उसका कारण यह है कि हर जाति ने इस राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए कुछ लोगों को, जो उस समाज के नेता कहलाते हैं, ये ब्राह्मणों के नेता हैं, ये ओबीसी के नेता हैं, ये एससी के नेता हैं, ये कायस्थों के नेता है, उन नेताओं को अपनी पार्टी में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए पद दे दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति को जिस पार्टी ने पद दे दिया है, वो व्यक्ति अपने समाज के लोगों को उस पार्टी में लाने की कोशिश करेगा और उस पार्टी का गुणगान करेगा। आज शाही जी को भारतीय जनता पार्टी ने जगह दे रखी है, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, बसपा और कांग्रेस की बात नहीं करेंगे। आज इनको बसपा में या समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस में इससे बड़ा पद मिल जाएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की बुराई शुरू कर देंगे और उस पार्टी की तारीफ शुरू कर देंगे। तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, जैसे अभी साई जी ने खुद ही कहा था कि पांडे जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई इसलिए बुराई कर रहे हैं, ये सत्य है। अगर पार्टी पांडे जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी हो गई होती तो ये नहीं देखती कि इनके समाज को जगह मिल रही कि नहीं मिल रही। मुझे जगह मिल गई है, मेरे समाज को जगह मिल गई है, क्योंकि यहां पर हर चीज प्रतिनिधित्व से देखी जाती है। और जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगर उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी हो गई, आप सतीश चंद्र मिश्रा जी से पूछ लीजिए तो वो ये कहेंगे कि भारतीय बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ ब्राह्मणों को सम्मान देती है, क्योंकि उनको सम्मान मिला है और उनको बड़ा उच्च सम्मान मिला है। तो ये कभी नहीं हो सकता है कि 100% वोट एक तरफ चला जाए। सत्य बोली है और सत्य बोली, क्योंकि अगर ये बात मैं बोलती तो मीडिया गलत हो जाती है और मीडिया गलत सवाल पूछ लेती है, तब यहां आ जाता है। ठीक है, कालीचरण जी मैं आप पर आना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से 23 जुलाई से ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है, सतीश चंद्र की अगुवाई में होगा, अब ब्राह्मण वोटर्स की याद आने लगी है। दलित मुस्लिमों की बात की जाती थी जिस बसपा के द्वारा, दलितों को प्रमुखता दी जाती थी, अब ब्राह्मणों को साधने की भी कोशिश की जा रही है, क्या कहना है आपका? नहीं भाई, ये स्वाभाविक रूप में है कि जो पार्टी जिसका कैडर वोट है वो अपने वोट को, तो उसको चिंता कम ज्यादा रहती नहीं है, स्वाभाविक रूप में वो दूसरे वोटरों की तरफ नजर गड़ाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये चर्चा जो की जा रही है, दरअसल ये दलितों को और पिछड़ों को अनदेखा करने की कोशिश है। मतलब ये बहन जी के स्टेटमेंट को आगे लगा करके इसको दिया जा रहा है। ओबीसी सम्मेलन भाजपा करे, ओबीसी सम्मेलन सपा करे, या और कोई पार्टी करे, कांग्रेस करे या दलितों के सम्मेलन करे, तब प्रश्न नहीं उठता है। सवाल ये है कि दलितों के प्रश्न कैसे ओझल किए जाएं, ओबीसी के प्रश्न, आदिवासियों के प्रश्न को कैसे ओझल किया जाए, और ब्राह्मणों की जिनकी समस्याएं अपनी हो सकती हैं, कोई बात नहीं, सबकी समस्याएं हैं,
लेकिन समस्या में समस्याएं ब्राह्मणों की ज्यादा हो और दलितों की कम हो या इनकी कम हो, ये तो मैं देखता हूं। समस्याएं देखिए कालीचरण जी, समस्याएं सबकी है, लेकिन समस्याओं का क्या हल निकला है पार्टियों के द्वारा जिस पर आपने भरोसा किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दलितों की पार्टी लगातार बसपा को कहा जाता है और बड़ा विश्वास, बड़ा वोट बैंक दलित वहां पर जाता है। देखिए अभी अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने बिल्कुल सही कहा कि भाजपा को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी, वैश्यों की पार्टी कहा जाता है स्वाभाविक रूप में जी। तो इनको क्या चाहिए? इनके समुदाय को मंदिर चाहिए, पूजा स्थल चाहिए, वो दिया जा रहा है, इससे बड़ा क्या होगा? स्वाभाविक रूप में मंदिर जहां भी बनेगा तो वहां पुजारी कौन बनेगा जी। तो ये मुद्दे हैं जहां भी। तो इसमें यह है कि मुद्दे को खिसका करके कि इस समय दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है। उठाई जाती है कालीचरण, सवाल तो यही है, आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं जब आपकी हितकारी पार्टी जब आपकी की बात करती है, जब वोट बैंक लेने आती है, तब आप ऐसे मुद्दे क्यों नहीं सामने रखते हैं? कैसे कैसे नहीं उठा रहे? बिल्कुल उठा रहे हैं, उठाते हैं और अब अभी भी उठा रहे हैं। समस्याओं जिस जिस समाज की समस्या कम से कम है जी। जो सर्वाधिक इस देश में भ्रमण व्यवस्था के अनुसार सर्वाधिक पूजनीय है, सम्माननीय है, गरीब से गरीब ब्राह्मण भी महाराज कहा जाता है, उसको पैर लगे कहा जाता है, ये दलित या और कोई जो है। अभी हमारे साथी कह रहे थे महारानी बन गई बहन जी, महारानी मतलब ये लोकतंत्र उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसके बाद भी दलित किसी भी पद पर पहुंच जाए तो भी बड़ी मुसीबत होती है। तो ब्राह्मणों को तो इस देश की सामाजिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में सम्मानित पद प्राप्त है ही। स्वयं अभी पांडे जी कह रहे थे कि यहाँ मरण से लेकर के जन्म से लेकर के मरण तक ब्राह्मण का अस्तित्व है। तो ये लेकिन ये सही बात है कि जो ओबीसी की पार्टी होगी वो अन्य पार्टियों अन्य जातियों को खींचेगा स्वाभाविक रूप में, दलितों की पार्टी होगी तो वो अपने पास लाएगा। लेकिन ये सही बात है कालीचरण जी, सम्मान तो जैसे ही चुनाव आते हैं दलितों का सम्मान होना शुरू हो जाता है ना, तो आप उससे संतुष्ट हो जाते हैं, आपका वोट बैंक उसी और खिसक जाता है, तब क्यों नहीं ये मुद्दे, तब क्यों नहीं अपनी जब देखिए चुनाव आया था, लोकसभा का चुनाव आया था, महाकुंभ में जाकर के प्रधानमंत्री जी ने दलितों के पैर धोए थे, तो ये तो कर किया जाता है। माने भारत का प्रधानमंत्री एक प्रोटोकॉलिन पद होता है भाई, पैर पैर किसी के ना धोए, हम सब समान नागरिक हैं, ना ब्राह्मण के पैर पूजे जाएं ना दलितों के पैर धोए जाएं, लेकिन यहाँ तो किया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने अभी भी वही किया, जैसा कि हमारे पूरे देश और दुनिया ने देखा है कि जिस तरह से उन्होंने कार्ड खेला है, तो स्वाभाविक रूप में ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि जातियों को हम इस देश में समाप्त नहीं कर पाए, लेकिन कोई माहौल जाति विनाशकारी नहीं बना पाए, तो वो तो स्वाभाविक रूप में रहेगा। और इस बार मायावती ने ये शंख बजाया है कि ब्राह्मण भी शंख बजाएंगे आके और बसपा के साथ चलेंगे, तो क्या लगता है आपको ब्राह्मण इस बार बसपा के साथ जाएंगे और बसपा का शंख बजाने वाले हैं? देखिए जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बिल्कुल सही बात कही कि जिसका जहां हित होता है पूरा करता है, तो स्वाभाविक रूप में जो ब्राह्मण सपा जो ब्राह्मण भाजपा से कांग्रेस से खिन्न होंगे वो निश्चित रूप से सपा में भी जाएंगे, बीएसपी में भी जाएंगे। एक जगह तो वोट करता नहीं, बिल्कुल सही कहा, एक जगह वोट ना दलित करते हैं, एक जगह वोट ना मुसलमान करता है, कोई एक जगह वोट नहीं करता है, तो अपना अपना स्पेस। भाई 12-13% वोट है, यदि 4% भी भाजपा से खिसक गया या कांग्रेस से 1% खिसक गया तो दूसरे को तो बल मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप में एक शक्तिशाली, देखिए ब्राह्मण समाज एक बौद्धिक समाज है, शक्तिशाली समाज है, सब जगह उसका सम्मान प्राप्त है, तो हर पार्टी सपा भी सोच रही है और जाकर के बीएसपी भी सोच रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वोट नहीं, टिकट कौन देता है ब्राह्मणों को? यदि टिकट देखिए वोट वोट लेना अलग बात है जी। लेकिन बीएसपी यदि टिकट देती है सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला एक बार फिर से वो अपनाने वाली है कालीचरण जी। लेकिन अच्छा ठीक है, नहीं बोल दो जी, बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन आप ये बता दीजिए दलितों का विश्वास किस पर है, आप लोग का विश्वास किसके प्रति है, अभी भी ये स्पष्ट कर दीजिए। देखिए दलितों का विश्वास संविधान पर है, संविधान के अनुसार हमको जो हक मिलना चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं। वो हक किसके द्वारा मिलेंगे? भारत के इतने इतने लंबे इतिहास में ब्राह्मणों ने सर्वाधिक सत्ता प्राप्त की है प्रधानमंत्री के रूप में, लाल किले से लंबे समय से वो हक पाने के लिए आप बसपा पे विश्वास बनाए हुए हैं, तो वो विश्वास कायम रहेगा, बैठे हुए हैं वो विश्वास कायम रहेगा कालीचरण जी आगे भी? हाँ, तो ये तो हम लोगों का संविधान पर विश्वास है, नेताओं पर और पार्टियों पर यदि हम लोगों को माने भरोसा, तो हमने किया हर बार सबको अपनाया, भाजपा को अपनाया है सबको अपनाया, कांग्रेस को इतने लंबे समय तक शासन दिया है सबको अपनाया है, लेकिन सबने
दलितों का दलितपन नहीं जा पा रहा है, उनके साथ जो भेदभाव लगातार हो रहा है। इसीलिए तो कालीचरण जी मैंने पूछा कि विश्वास किस ओर जा रहा है। अब आपको क्या लग रहा है, वो कौन है जिस पर विश्वास कर सकते हैं आप? देखिए ऐसा है, नेतृत्व भर करके आएगा, परिस्थितियां पैदा करेंगी, दलितों को लगेगा, ओबीसी को लगेगा कि हमको केवल वोट बैंक के रूप में यूज किया जा रहा है। पिछले चुनाव में भाजपा ने ओबीसी को खूब प्रयोग किया है, हाँ उनके मंत्रियों को बना करके लाभ भी दिया है, स्वाभाविक उनसे जुड़ेंगे उनको लाभ भी मिलेगा। लेकिन क्या वास्तव में ओबीसी को ओबीसी जातियों की स्थिति सुधरी? जातियों की स्थिति सुधरी नहीं सुधरी, ये आप लोग को तब सोचना चाहिए जब मूर्तियों से हटकर आप अपने जमीनी स्तर के मुद्दों को सामने रखते हुए उस पर आवाज बुलंद करें, तो मुझे शायद तक लगता है। और मैं जनता से भी अपील करती हूँ कि ये तमाम चर्चा को वो सुने, ये तमाम समीकरण वो सुने, लेकिन एंड वक्त तक वोट डालने तक वो ये ना भूले कि उन्हें वो कौन से मुद्दों पर किसे वोट देना है। और वो जमीनी स्तर के मुद्दे होने चाहिए, चाहे वो कोरोना से लड़ाई हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, उनको उस मुद्दों को लेकर ही वोट डालना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी, यहाँ जातियों को लेकर के वोट पड़ता है, मुद्दे अपनी जगह होते हैं, आप कुछ भी कर लें, जातियों का बेस है और वो जाकर के कुछ भी करने पर भी जाकर के एक विशेष जाति है वो विशेष पार्टी को ही वोट देती है। आपने मान लिया ना कि जाति के आधार पर फिर राजनीति होती है? बिल्कुल होती ही है भाई, मैंने कहा जाति एक कड़वा सच है, जब जाति के अनुसार पनिशमेंट मिलता है, जाति के अनुसार अपराध होते हैं, जाति के अनुसार अपमान मिलता है। तो आप ये फिर क्यों बोल रहे हैं कि हमारे मुद्दे पूरे नहीं हो रहे हैं? तब आप मुद्दे रखिए, या फिर आप बोली कि हमें जाति को जो सम्मान देगा उसके साथ चले जाएंगे? प्रधानमंत्री के रूप में कोई दलित आए तब है, बहन जी चार बार सत्ता में आई तो स्वाभाविक रूप में दलितों में अस्मिता जागी थी। ठीक, मुद्दे और अपना अस्तित्व बचाना, आप इस वक्त अस्तित्व बचाने और मुद्दे में लड़ रहे हैं, आपको चुनना होगा कि आपको अपने मुद्दों को प्रमुखता देना है या फिर आपको अपने आप क्या मतलब आप चाहते क्या है, आपको ये स्पष्ट करना होगा। देखिए हमारा मुद्दा है संविधान की सुरक्षा। आपकी बातों पर लगातार दिलीप जी हंस रहे हैं, दिलीप जी हंसी के पीछे का क्या कारण है? बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे। हंसी के पीछे का कारण ये है कि आदरणीय प्रोफेसर साहब अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जी। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमारी जाति को सम्मान नहीं मिला, प्रोफेसर साहब जातियों को सम्मान जातीय ढोल बजाने से नहीं मिलेगा, जब आप अपनी जाति को शिक्षा के माध्यम से ऊपर लेके आएंगे तब सम्मान मिलेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब आप ही की जाति के हैं और तब ना रिजर्वेशन था और प्रताड़ना शायद इससे ज्यादा रही होगी आपके अनुसार, लेकिन आज तक वो सम्माननीय है, पूजनीय है और हर व्यक्ति के लिए है और उनको कोई दलित की नजर से नहीं देखता है, उनको एक इंटेलेक्चुअल की नजर से देखा जाता है। पहली बात। दूसरी बात मैं अपनी बात सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि मायावती जी चार बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही तो SC ST की अस्मिता जागी होगी। अरे चार बार अगर मुख्यमंत्री रही तो आपकी जाति ऊपर क्यों नहीं आई, ये आपको सोचना चाहिए कि जाति का ढोल बजाने से जाति ऊपर नहीं आएगी भाई साहब। और मैं एक चीज और बता दूं, इस देश में न जाति का सम्मान है न जाति का अपमान है, सम्मान और अपमान आदमी के व्यक्तित्व का होता है। आज अगर आप प्रोफेसर हैं तो आपका पूरा सम्मान है, और अगर कोई पंडित है या फॉरवर्ड जाति का है, अगर वो नगर निगम में चपरासी की नौकरी कर रहा है तो उसका सम्मान उसी नजर से होगा उसको। और दूसरा जो आपने कहा ना कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से पंडित सर्वोच्च है, आपने कहा ना वर्ण व्यवस्था के हिसाब से पंडित सर्वोच्च है, तो वर्ण व्यवस्था में जिस पंडित को सर्वोच्च माना गया है वो पांडे द्विवेदी चतुर्वेदी मिश्रा नहीं है, वो जो कर्म से पंडित है, जो पांडित्य का काम करता है, जो मार्गदर्शन का काम करता है, उसको पंडित कहा गया है। पहले वर्ण व्यवस्था को समझ लीजिए, और उसमें दलित जिसको कहा गया है, जिसको नीचे शूद्र कहा गया है, वो शूद्र कोई चमारपासी को नहीं कहा गया है। जो सुधारने का जो व्यवस्थाओं को काम करेगा उनको नीचे उसका कहा गया है। बिल्कुल दिलीप जी, जरूरी यही है ना कि आपको या तो अपना अस्तित्व बचाना है या अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है, खुद को शिक्षित करना है, खुद के लिए नौकरी जरूरी है। कीर्ति जी जो वर्ण व्यवस्था आई है, मैं इसका रेफरेंस दे देता हूँ, गीता के 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में ये कहा गया है। ये जो मिसकंसेप्शन है जो आप लोगों ने फैला रखा है कि पंडित कौन होगा, ठाकुर पंडित ठाकुर से मतलब नहीं है, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे बांटी गई है। 21वीं सदी तक ये चला आ रहा है, आप ये देखिए ना कि अभी भी कितने पिछड़े हैं, कितने ज्यादा खुद को पिछड़ा समझ रहे हैं। जी कालीचरण जी बोलिए, लेकिन मैं बताऊं क्या किसी ब्राह्मण को या गरीब किसी व्यक्ति को ठाकुर को
गांव में घोड़ी पर चढ़ने पर रोका जाता है दूल्हा के रूप में, मूछ रखने पर दलितों का उत्पीड़न क्यों होता है, जाति नहीं है मुख्य तो। अरे भाई चरण जी आप बहुत पीछे चले गए हैं। नहीं नहीं नहीं, कैसे चले गए हैं भाई, जाति के आधार पे ही जाकर के हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को पुरी में जाकर के धक्का दे दिया गया, जाति के आधार पर ही जाकर के पुष्कर में उनके साथ अपमान झेलना पड़ा, सारी दुनिया ने देखा है। जाति ही तो महत्वपूर्ण होती है, जाति ही प्रोपेगेंडा है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति का अपमान को ऐसे नहीं कर सकता है जाति के बिहाव पर, और अगर जाति के बिहाव पे कर रहा है तो फिर आप सोचिए आपका उत्थान कैसे होगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा साहब कि जाति का ढोल बजाने से जाति का उत्थान होगा क्या। आप प्रोफेसर हैं, आप इस तरह की बातें करेंगे तो वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो आपकी बातों को आंखें बंद करके फॉलो कर लेगा भाई। आप मार्गदर्शन का काम करिए, आप पांडित्य का काम करिए, आप पंडित बनिए इस समाज के लिए, आप पंडित बनिए। अरे भाई प्रोफेसर बन करके और क्या बनू, लेकिन उसके बाद भी दलित कोटे में बुलाया जाता हूँ, क्या भी दलित कोटा आप लोगों ने करवा रखा है ना, रिजर्वेशन खत्म कराइए। ठीक है, दिलीप जी और कालीचरण जी प्लीज, ठीक है ये आपको दिलीप जी छोड़ दीजिए, कालीचरण जी आपको स्पष्ट करना है कि आपको आज भी अपने आपको बेचारा दलितों को, एक सेकंड प्लीज कालीचरण जी और दिलीप जी, जाति पर ज्यादा ना जाते हुए कि आपको अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको 21वीं सदी में भी उन बातों को लेकर चलना है कि संविधान में हमारा दर्जा क्यों नहीं मिला, हम पढ़े क्यों नहीं है, क्या वजह है, उनको लेकर आप विश्वास पैदा करिए और उन्हें ही वोट दीजिए। ठीक है, अश्वनी शाही जी मैं आप पर आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी क्या लगता है कि जाति के आधार पर जिस तरह से लगातार बहस छिड़ी हुई थी और जिस तरह से लगातार बातें हो रही हैं कि विश्वास है नहीं है, लेकिन क्या 2022 में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती आई कि हम जाति के आधार पर सत्ता में नहीं काबिज होंगे, लेकिन चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर अभी फिलहाल जो तमाम चीजें मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात हो उसमें भी हमने देखा कि किन मंत्रियों को प्रमुखता दी गई है, तो क्या लगता है? देखिए कीर्ति जी, दो तीन बातें हैं, दो तीन मुद्दे हैं। आपने राम मंदिर की बात की, राम मंदिर में पूरा सनातन धर्म जाता है, वहां कोई जातियां नहीं बटी होती, और रहा मंत्रिमंडल में विस्तार का और उसमें लोगों को शामिल करने का, तो मैंने पहले भी कहा कि वो प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री का प्रदेशों में विशेषाधिकार होता है, उसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं होता है, वो चाहे जिसको साथियों को साधे, व्यक्तियों को साधे, काम को साधे, जैसा उनको अच्छा लगता है वो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी काम करते हैं। तीसरा, अभी यहाँ पर बहस छिड़ी हुई थी, दिलीप जी की बातों को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। अभी हमारे कालीचरण जी को अभी इन्होंने बताया कि शिक्षा का स्तर उठाइए, जातियों को ऊपर उठा लेंगे आप। आज उसको ही पंडित कहा जाता है जो पढ़ा लिखा होता है, ये जातियां उसको मत कहिए। वर्ण व्यवस्था में जो कमर से नीचे का स्थान है उसको शूद्र कहा गया है, और हिंदुस्तान में उसी शूद्र को लोग छूते हैं, यानी कि कहने का मतलब मेरा दिलीप जी, जो आप मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज उसी को छूते हैं तो ये अपमान कहा हुआ, वो हम छूते उसी के आगे है तो वो सर्वोपरि है हमारे लिए, इसको मान के चलना होगा, इस मूल मंत्र को मानना होगा, तभी सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री का दलित प्रेम, आदिवासी प्रेम किसी और ही इशारा कर रहा है। अब ये देखिए आपकी डिक्शनरी में आज कुछ रील आपकी फंस गई है लग रहा है, दलित प्रेम और आदिवासी प्रेम, 130 करोड़ की 35 करोड़ की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी हमेशा। अश्वनी शाही जी, हमारी रील है कि आप नहीं जाना चाह रहे हैं, रील आपकी फंस गई है, आप नहीं जाना चाह रहे हैं, आप ये बोल दीजिए। हमको क्या करना है, हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैं नहीं, पूरा विपक्ष, पूरा देश, पूरा विश्व कहता है कि वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 6 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे, आज वो 135 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, उनके लिए आदिवासी दलित कुछ नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस और विपक्ष ने जो अपमान किया है वो किसका किया है ये देखने वाली बात होगी, वो कौन था, उनका परिचय तक नहीं कराने दिया गया, ये लोकतंत्र में सरासर निंदनीय है, जिसकी निंदा आपको भी करनी चाहिए।
ठीक है, लोकतंत्र और लोकतंत्र की बातें आप कर बेशक रहे हैं, लेकिन मेरी रील कहीं नहीं अटकी है, आप उस तक जाना नहीं चाहते हैं और आप उन सच्चाइयों को देखकर भी आप बताना नहीं चाहते हैं सिर्फ फर्क कितना है। ठीक है, एसएन जी आपका क्या कहना है, जो आपने वक्तव्य तमाम लोगों के सुने, जिस तरह से कालीचरण जी ने कहा कि ब्राह्मणों का अलग दर्जा है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हुई, दलितों की जरूरतें ज्यादा अहम रखती हैं, तो आपको क्या लगता है इन जो तमाम चीजें हैं और जो जब चुनाव आते हैं तब जातियों में बांट दिया जाता है, ये क्यों बांट दिया जाता है, क्यों मुद्दे नहीं रखे जाते हैं, क्यों सिर्फ मूर्तियों से आप लोग खुश हो जाते हैं, क्यों सड़कें बनवा के उनके नाम पर आप खुश हो जाते हैं? देखिए, अगर सत्ता पे मौजूद लोग जैसे मेरे पूर्व चाणक्य जी थे, चाणक्य जी का कहना ये था कि राजा अगर प्रजा पूरा खाना खाके पानी पी के शांति से सोती है तो राजा सोएगा जी। अगर उसकी प्रजा कहीं भूखे है तो राजा नहीं सोएगा, वो बेचैन रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, भरत जी ने राम से पूछा था कि टैक्स कैसे वसूला जाएगा, तो उन्होंने कहा सूर्यवंशी है, जैसे सूर्य वसूलता है, पसीना भी सूर्य लेता है, नदी से भी सूर्य लेता है, समुद्र से भी सूर्य लेता है, छोटी छोटी बर्तनों से भी सूर्य लेता है, किसी को पता नहीं चलता, पर जिस टाइम वो पानी बरसाता है तो सबके चेहरे पे हंसी आती है। प्रशासन और शासन इस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल। अगर इस तरह का शासन होता तो आज ये ब्राह्मण, दलित, ओबीसी और हम लोग इस बीच के बहस में नहीं फंसे होते। फंसने का कारण ये हुआ कि पांडे जी, दिक्कत तो यही है, प्रशासन को शासन को चुनते तो हम ही है, जनता चुनती है। और मेरा हमेशा से ही कहना है कि जनता को अपने मुद्दों को लेकर सरकार को जब चुनना होता है तो उसको मुद्दों को लेकर आना चाहिए। आप किसी भी सड़क पे चलिएगा अनजानी पे, जब आपको रास्ते में वहां पे बाधा आएगी तो आप क्या करिएगा, बाधा से वापस आके दूसरे रास्ते का विकल्प देखिएगा। तो उसी रूप में आज अगर ये शासन प्रशासन चाणक्य की तरह, भरत जी की तरह अगर चला होता तो ये आज ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई होती कि हम लोग यहाँ पे ब्राह्मण, ओबीसी, दलित इनकी बात किए होते। परंतु चूंकि ये नहीं किया गया इसलिए आज हम लोग इस मुद्दे पे बहस कर रहे हैं। और आज हम लोग जो ब्राह्मण समाज है वो भी एक अपने विकल्प को ढूंढ रहा है कि मेरा भी कहीं ना कहीं विकल्प होना चाहिए, इसलिए कि हम लोग इस टाइम समाज में सबसे पीछे की ओर खड़े दिख रहे हैं। ये मेरे साईं जी कह रहे थे कि ब्राह्मणों के लिए बहुत किया, ठीक है, हम लोगों ने भी विश्वास किया था। मोदी जी तो हमारे सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी एक के नहीं है, विश्वास किया गया था और ये सोचा गया था कि तो शायद मायावती ने जो इस वक्त जो तीर लगाया है वो सही निशाने पे जाकर लगेगा। मतलब देखिए, ये सत्ता पार्टी है, सत्ता पार्टी सिर्फ जिस टाइम राजनीति चमकानी होती है उसी समय वोट बैंक को देखने के लिए ब्राह्मण वगैरह को सब ढूंढने लगते हैं। जैसे ही अभी ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर देख लीजिएगा, सब अपने अपने बंगलों में बैठ जाएंगे, कोई किसी के। हम लोग ये निर्णय लेके चल रहे हैं जी। कि अब जो भी शासन होगा वो जनता के बीच में होगा, जनता के दरवाजे पे होगा, जनता के कहने पे होगा, ना कि बंगलों में होगा, ना ही किसी के इशारों पे होगा। हम आशा करते हैं एसएन पांडे जी की जो आप बोल रहे हैं वैसा ही हो। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से आज बातें हुई, और ये लगातार कहा जाता है कि राजनीति में जाति नहीं आती है, लेकिन क्या करें जब चुनाव आता है तो जाति है कि जाति ही नहीं है, तो ये अहम मुद्दा बन जाता है। लेकिन आप सबसे गुजारिश यही है कि आप लगातार इन मुद्दों को दरकिनार करते हुए, जाति को दरकिनार करते हुए, जो आपके मुद्दे हैं, जो आपने कोरोना काल में परेशानियां झेली, आपका परिवार बेरोजगारी झेल रहा है, महंगाई झेल रहा है, वो किस वजह से है, क्या सरकार आपको वो तमाम जरूरतें आपकी पूरी करके दे रही है या नहीं, आपको उन मुद्दों पर रहना है और चुनाव आने तक आपको इन मुद्दों को समझकर ही वोट देना है, ये मेरी आप सबसे अपील है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।